हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट भर्ती के बारे में जो कि वैकेंसी निकाली गई है इसरो की तरफ से जी हाँ दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की एक डिपार्टमेंट है अहमदाबाद में एस सी करके यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की तरफ से नई भर्ती निकाली गई है जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आप यहां पर वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई डिप्लोमा बी बी स्टूडेंट की न्यू ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की पोस्ट पर जो कि बेहतरीन वैकेंसीज है हाँ आपको लग रहा होगा कि एक अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है बट डिपार्टमेंट देख लो इसरो से निकाली गई है भैया इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको जब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सेपरेट में रिक्रूटमेंट निकलती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट की अलग से वैकेंसीज में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी अलग से निकाली जाती है तो वहाँ आप बेनिफिट उठा सकते हैं प्लस बड़ी बड़ी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की वैकेंसीज निकलती है जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में निकलती है कभी कभार तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो अगर आप अप्रेंटिसशिप लेकर भी जाओगे जैसे टीएसएल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में अप्रेंटिसशिप इसरो का लेकर जाओगे तो वैसे ही डायरेक्टली आपको जॉब मिल जाएगी पच्चीस तीस हज़ार की नौकरी आपको ऐसे मिल जाएगी वहाँ पे तो ये मौका आपको मिलेगी और चलिए वीडियोस में हम बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच के लिए वैकेंसीज है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा फ़ायदा मैं बता चुका हूँ और वीडियो के अंत तक कुछ और बेनिफिट इसका बताऊँगा चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करना मैं उस कमेंट के नीचे आपका रिप्लाई कर दूँगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं तो भैया ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से वैकेंसीज निकाली गई है न्यू रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएशन वालों के लिए टेक्नीशियन एंड ट्रेड यानी कि फॉर आई स्टूडेंट की टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव की न्यू रिक्रूटमेंट नाइनटीन सिक्सटी वन को ये वेकेंसीज टोटली फॉलो करती है इसकी लास्ट डेट सताईस अगस्त दो हज़ार चौबीस तक है फॉर्म भरने की ये डेडलाइन है रिक्रूटमेंट पहले डिस्कस करेंगे हम ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के बारे में ब्रांच में बता रहा हूँ बी बी टेक वालों इंजीनियरिंग वालों ध्यान से देखना और नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट की भी कुछ वैकेंसीज है सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के लिए कंप्यूटर साइंस या फिर सी एस एन आई टी के कैंडिडेट देन यहाँ पर कम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेहतरीन वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग्स के लिए आर्किटेक्चर्स के लिए एंड कुछ पोस्टें हैं जो कि नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट रॉ एक से लेकर जो मैंने अभी बताई सिक्स तक इसमें बी बी टेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है रिलेवेंट ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री किया है वो भी एलिजिबल है नेक्स्ट कुछ रिक्रूटमेंट है सात से लेकर नौ तक जहां पर नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसीज है नॉन टेक्निकल जैसे कॉमर्स की कंप्यूटर अप्लीकेशन की लाइब्रेरी साइंस की एंड आई से फिलोंग इंफॉर्मेशन साइंस है जो बिलोंग करते हैं ग्रेजुएसन आपने कर रखी है किसी भी फील्ड में नॉर्मली बी अप्लाई कर सकते हो या फिर बी वाले नेक्स्ट है टेक्नीशियन फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट वाले अब यहाँ पे ध्यान देना आप सभी कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट ब्रांच सुनना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस या फिर आई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स एंड सिविल इंजीनियरिंग्स तो इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है आपने पास आउट किया डिप्लोमा या फिर आपने आई पास करके डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल हो नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिस आई की सबसे अच्छी खासी रिक्रूटमेंट मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी इसरो में आई स्टूडेंट की निकाली गई है आई वालों ट्रेड को ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ कोपा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कारपेंटर या फिर वुड वर्क टेक्नीसियन जनरल यानी कि पेंटर जनरल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल मशीनिस्ट फिटर टर्नर लैब अटेंडेंट केमिकल प्लांट जो हम बोलते हैं बहुत रेस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट एओ उसके बाद आर के लिए वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड रेडियो टीवी एंड इलेक्ट्रीशियन तो मैक्सिमम पॉपुलर ट्रेड के लिए वैकेंसीज आउट कर दी गई है टेंथ पास प्लस आईटीआई के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर्म में बता चुका हूं इसकी जो फॉर्म है लास्ट डेट है 27 अगस्त 2024 तक अप्लाई करने के लिए एज लिमिट अगर मैं बात करूं तो जो पोस्ट 1 से 9 था यानी कि जो ग्रेजुएशनस वालों की पोस्ट था 18 से 28 साल है बाकी बात 10 से लेकर जो 26 आई या डिप्लोमा के लिए 18 से लेकर 35 साल 27 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की तो विस्टापन में बात करूं ग्रेजुएशन वालों को यहां पर 9000 मिलेगी टेक्नीशियन फॉर डिप्लोमा वालों को 8000 मिलेगी ट्रेड अप्रेंटिसिप सात हज़ार सात सौ पर मंथ जो आई टी आई स्टूडेंट के वन ईयर ट्रेड से वन ईयर ट्रेड वाले आई टी आई किए हैं सात हजार सात सौ मिलेगी टू ईयर आई टी आई वालों को यहाँ पर आठ हजार पचास रुपये मिलेगी गाइस कुछ कैंडिडेट को डाउट होता है आठ हज़ार पचास रुपये आई टी आई की स्टापन है और डिप्लोमा वालों को आठ हज़ार पर तो ऐसा क्यों है डिप्लोमा वालों को ज़्यादा मिलनी चाहिए ऐसी बात नहीं है गाइस इस आई टी आई स्टूडेंट ज़्यादा ट्रेंड होते हैं कंपेयर टू डिप्लोमा और ज़रूरत भी ज़्यादा होती है एक आई टी आई स्टूडेंट की इसीलिए उनकी स्टापन ज़्यादा होती है वन ईयर की ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करवा लेना उसके बाद ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगी और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो नेट्स की पोर्टल पे अप्रांटिसिप करवा लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी फॉर्म की भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको हिंट दिखा देता हूँ ये वैकेंसीज आपको चारों तरफ निकली नज़र आएगी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रांटिसशिप है ये अलग अलग बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी सारी जितनी भी ट्रेड है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो फर्स्ट ऑफ इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें लॉग इन करें उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें कुछ डाउट होता है फॉर्म अप्लाई करने में कमेंट कीजिएगा टोटली हेल्प एंड अप्लाई की जाएगी वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद